नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिन दागर स्वागत करता हूं आपके इस टेक्निकल चैनल में। गाइस, आपका जो लैपटॉप है वो इतना स्लो हो गया है कि आपका मन करता है कि आप उस लैपटॉप को फेंक दो। इतना रैम बढ़वा ली है, सब कुछ जितने भी आपको काम करने थे विंडो फॉर्मेट कर दी है, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका जो लैपटॉप है वो स्लो ही चल रहा है। जैसा है वैसा ही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इसका शानदार सॉल्यूशन जो मैंने खुद ने भी किया है। अगर आपका लैपटॉप भले 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, कैसा भी हो, इससे आप उसको अच्छा खासा फास्ट कर सकते हैं बिना ही रैम बढ़ाए, ना ही इसका कोई प्रोसेसर चेंज किए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो हार्ड डिस्क डलवाया है, बस वही आपकी मेन समस्या है। यहाँ पर आपको जो आपकी हार्ड डिस्क है इसको रिप्लेस करना है, या फिर नहीं भी करना है तो उसमें आपको लैपटॉप पर डलवाना है SSD। जी, ये जो HSD मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, ये सॉलिड आपकी सॉलिड स्टेट डिस्क होती है। SSD डलवाना है आपको आपके लैपटॉप में, और उसी जो SSD डलवाना है उसी में आपको अपना विंडो इंस्टॉल करना है, और आपका लैपटॉप पहले से कई गुना फास्ट, जैसा आपने जब नया खरीदा था, नया परचेज किया था, वैसा आपका लैपटॉप चलने लगेगा। ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया। तो जो अब आप देखेंगे कि चलो ठीक है, SSD डलवा लेते हैं, कौन सी SSD डलवाएं, कितने GB की डलवाएं और कौन सी कंपनी की डलवाएं और कितने की आती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जो SSD है बेसिकली बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जिनमें से जो जैसे सैमसंग है, किंगस्टोन है और WD है, ये तीन कंपनियां ऐसी हैं जो ज़्यादातर इस फील्ड में फेमस है। वैसे और भी हैं, लेकिन आप इन तीन में से किसी का भी आप बेधड़क होकर आप डलवा लीजिए, किंगस्टोन का या फिर WD। WD भी दो तरह के, ग्रीन और ब्लू आता है, जो आपको लगे आप डलवा सकते हैं, और सैमसंग का। अब डिपेंड करता है कितने GB का डलवाएं। देखिएगा, अगर आप 128 से लेके 240 512 GB तक, 1 TB तक भी डलवा सकते हैं, बट ये आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर आपका लैपटॉप पुराना है और आपको सिर्फ ऐसे आपके पास हार्ड डिस्क है, इसमें 1 TB हार्ड डिस्क आपके पास पहले से ही, या फिर 5 GB हार्ड डिस्क है, तो आप सिर्फ 128 या फिर 240 GB का हार्ड सिर्फ SSD डलवा लीजिए, और उस SSD में आप सिर्फ विंडो इंस्टॉल करके अपना सिर्फ विंडो इंस्टॉल रखिए, बाकी जो भी स्टोरेज करनी है आप जो दूसरा आपका हार्ड डिस्क है उसमें आप उसको सेकेंडरी स्टोरेज की तरह स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, 240 भी ना करवाएं तो 128 GB भी डलवाएंगे तो भी आपका लैपटॉप बहुत अच्छा चलने लगेगा। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप 240 या 256 GB वाला डलवाएं तो सही रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग डाउनलोड वगैरह करते हैं तो वो लोकल डिस्क सी में ही डाउनलोड होता है, तो इसलिए वो बेहतर रहता है। अब आप देखें कि सैमसंग, किंगस्टोन और WD ग्रीन या ब्लू आप परचेस करते हैं 240 GB, तो ये आपका तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार, 3 हज़ार, 5 हज़ार तक की रेंज में आपको, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आपको मिल जाएगा। आप इसको अमेजन से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आप इसको दुकान पे भी जाकर आप सीधा सीधा वहाँ से उनसे कहें कि भाई मुझे SSD डलवानी है और इतने 240 से 256 GB की डाल दीजिए, WD ग्रीन, सैमसंग या किंगस्टोन या कोई सी भी कंपनी। लेकिन बेहतर ये रहता है कि अच्छी कंपनी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा उसका। तो गाइज, यही था इसका सॉल्यूशन। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया और आपने अगर SSD डलवाया और आपने इसके अगर कोई इशू आते, वैसे तो इशू नहीं आते, तो आप मुझे जरूर बताइए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ लैपटॉप को फास्ट करने का, और डेस्कटॉप को भी आप SSD के थ्रू ही फास्ट कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।